साथियों, राजस्थान में जब से कांग्रेस आई है, इसने एक और पहचान बनाई है, भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टिकरण। हालत ये है कि जब भ्रष्टाचार की रैंकिंग होती है तो राजस्थान उसमें नंबर वन आता है, नंबर एक आता है। जो राजस्थान अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था, वहां आज आए दिन सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो रही है। पूरी कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण में लगी हुई है। यहां सिस्टम इतना बेखौफ हो गया है कि पेपर लीक की एक अलग इंडस्ट्री खुल गई है। अब तक 17 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, यानी यहां युवाओं के भविष्य से खुले आम खिलवाड़ हो रहा है। साथियों, हर जगह स्कूल कॉलेजों को राजनीति से बाहर रखा जाता है ताकि बच्चों का भविष्य खराब न हो, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की लूट ने शिक्षण संस्थानों को भी नहीं बख्शा। यहां के शिक्षक मुख्यमंत्री के सामने आकर कह रहे हैं कि तबादले के लिए खुली घूस चल रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाइयों और बहनों, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में, बलात्कार के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। हालात ये है कि यहां रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, और दुर्भाग्य कि बलात्कार और हत्या के आरोपियों को बचाने में पूरी सरकार जुटी हुई नजर आती है। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए हमारी बेटियों पर गलत नजर डालने वालों को कांग्रेस संरक्षण दे रही है। राजस्थान के लोग कांग्रेस के इन पाकुपों को अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये महिलाओं के सम्मान की, उनकी आन बान की धरती है, ये राजस्थान की धरती है, ये मां पन्ना धाई की धरती है, ये वो धरती है जहां हाड़ा रानी ने अपने पति को युद्ध में भेजने के साथ ही अपना बलिदान दे दिया था। आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा राजस्थान की रगों में है। इस पर कीचड़ उछालने की हिम्मत करने वाली कांग्रेस को राजस्थान कभी माफ नहीं करेगा।